Now, whether I will be repurchasing this one? Hello everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well. आज हम बात करने वाले हैं about this most requested or most hyped skincare items in the Indian market. I am talking about this dew in my defense moisturizer. That's how this outer packaging looks like, जिसपे almost आपको सारी information मिल जाती है. And that's the cute inside packaging. Pump packaging है, airless pump packaging है. Love the packaging of this one. The color combination is really really amazing. और ये 50 ml का product है and this one retail for 3500 rupees. Yes, you heard it right. 3500 रुपया फॉर दिस 50 ml का छोटू सा बॉटल. आई नो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए मैं अभी तक इसको नहीं ले पाई थी. बट दे आर क्लेमिंग कि विद इन 2-3 days आपकी जो पूरी स्किन का जो बैरियर जो डैमेज हुआ हुआ है, इरिटेटेड स्किन है, उसको ठीक कर देता है विद इन 2-3 days. तो मेरे को था कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करना तो बनता है, बिकॉज आई एम हेयर फॉर दैट ओनली, कि हाँ जो भी चीज़ है उसको अच्छे से ट्राई आउट करके आप लोगों को जेन्युइन रिव्यू दे पाऊँ, सो दैट आप अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट कर पाओ, कि मतलब ऐसा ना हो कि आप 3500 खर्च कर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा. सो वही आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस प्रोडक्ट. हम इन्ग्रीडियंट डिस्कस करेंगे, टेक्स्चर के बारे में बात करेंगे, देन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, एंड देन फाइनली मैं आपको बताऊँगी कि क्या ये सच में वर्थ है या नहीं है, वेदर आई विल बी रिकमेंडिंग दिस और नॉट, ऑन वेदर आई विल बी रिपर्चेजिंग दिस वन और नॉट, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट ओवर. बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि इट्स एन कोरियन ब्रांड. नो, डू इज अ इंडियन ब्रांड, बट ये अपने प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट कोरिया में करवाते हैं. दैट्स वाई दे से कि जो इनके प्राइसिंग है ये इसीलिए हैं कि ये वहाँ से फॉर्मुलेट करवाते हैं प्रोडक्ट्स को, और द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो यूज़ करते हैं. एंड आई सॉ वन ऑफ देयर लाइव, जो इनकी आई थिंक फाउंडर है या जो भी है, मैंने उनका एक लाइव देखा था एंड शी वाज लाइक कि अगर मुझे जापान जाना पड़ेगा, अगर जापान में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तो मैं वहाँ जाके फॉर्मुलेट करूँगी. तो वो मेरे को थोड़ा सा एक अच्छा लगा उनका, कि हाँ दे वॉन्ट द बेस्ट. लाइक उनको ऐसा नहीं है कि हमें मास बेचना है, कि हाँ हर तरह की रेंज निकालनी है. बहुत ही लिमिटेड से प्रोडक्ट है, अब तक सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करे हैं. हसल है जो इनका सिरम है, मल्टी एक्टिव सिरम है, दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट इन माई डिफेंस सेरामाइड मॉइस्चराइजर, एंड थर्ड अभी तक आई थिंक उन्होंने अपने आई पैच है वो शायद वो आई क्लाउड करके कुछ उन्होंने भी वो लॉन्च किया है. सो इट्स एन इंडियन ब्रांड. प्राइस का देखते हैं कि सच में जस्टिफाई करता है या नहीं. सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इनकी, कि जब आप इनकी साइट पे जाते हो ना, तो इनकी साइट पे भी आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं एवरीथिंग, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी. लाइक लेटर वाइज अगर आप सर्च करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनका फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही पी से है, तो जब आप उस लेटर पे जाओगे तो वहाँ पे पी से रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तब जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो. बट हम इन शॉर्ट फटाफट से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है. सो ऑन द टॉप इसके अंदर डला हुआ है पोर्टुलाका ओलिरेशिया एक्सट्रैक्ट, इसको पर्सलिन भी बोलते हैं. नाउ पर्सलिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट. इसके अंदर आपको वाइटामिन ए, वाइटामिन सी एंड वाइटामिन ई एंड ग्लूटाथायोन मिलते हैं. ये सभी एंटीऑक्सीडेंट हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके फ्री रेडिकल डैमेज को ठीक करने में हेल्प करते हैं, सेल रिजनरेशन में हेल्प करते हैं. फ्रॉम दैट दिस इंग्रेडिएंट इज रिच इन पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एज वेल एज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी इसके अंदर होते हैं. सो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, वूंड हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, सेल रिजनरेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड एंटीऑक्सीडेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया. सो इनडीड बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट है, एंड ये बेस है इसका. सो आई बिलीव कि अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी, सो यू कैन एक्सपेक्ट रिपेयरिंग और सूदिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दिस मॉइस्चराइजर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस मेन इंग्रेडिएंट, उसके बाद वाटर है. वाटर के बाद इन्होंने डाला है ग्लिसरीन, विच इज ग्रेट ह्यूमेक्टेंट और हाइड्रेटर का काम करता है. उसके अलावा इसमें और काफी सारे और हाइड्रेटर्स और ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं, जैसे इसमें आपको कुछ ग्लाइकॉल्स मिल जाएंगे, हेक्सेन डाइओल आपको इसमें मिल जाएगा, एंड उसके बाद इसके अंदर डला हुआ है सेरामाइड का कॉम्प्लेक्स. नाउ यू गाइज नो कि सेरामाइड का क्या काम है हमारे स्किन में, हमारे
हमारा जो लिपिड बैरियर लेयर होता है वो बना होता है सेरेमाइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड से। ये इन द रेशियो 3:1:1 की रेशियो में डले होते हैं, वैसे ही इन्होंने इसके अंदर भी डाले हैं। जो मेजर काम होता है वो सेरेमाइड्स का होता है बैरियर रिपेयरिंग में, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का होता है, थोड़ा सा फैटी एसिड्स का भी होता है, बट ये कॉम्बिनेशन में अगर डाले गए हों किसी सेरेमाइड मॉइस्चराइजर में तो देन दैट सेरेमाइड मॉइस्चराइजर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नाउ ये क्या कहते हैं कि जो मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से इन्होंने सबसे ज़्यादा सेरेमाइड्स इसके अंदर डाले हैं, दैट्स वाई इट्स मोर एक्सपेंसिव। नाउ आपको पता है कि जो मोस्टली सेरेमाइड मॉइस्चराइजर्स के अंदर सेरेमाइड्स डले होते हैं वो या तो कॉम्प्लेक्स में डले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ ब्रांड इज क्लेमिंग कि 1% सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स है या 2% सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें जो एक्चुअल जो सेरेमाइड होते हैं ना वो होता है 0.1% और 0.2%। यहाँ पे दे क्लेम कि इन्होंने 1% प्योर सेरेमाइड्स यूज़ किए हैं, सो यू कैन इमेजिन कि सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन सेरेमाइड्स की है, तो बैरियर को रिपेयर करने में तो ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो वही बंच ऑफ इसमें सेरेमाइड्स डले हुए हैं, दे हैव यूज्ड सेरेमाइड NP, NS, AS, AP एंड EOP एंड अल्फा बिसाब्लूल भी इसमें डली हुई है, पैंथेनॉल है, एलेंटोइन है, दोनों ही पैंथेनॉल एंड एलेंटोइन हाइड्रेटर्स एंड बहुत ज़्यादा सूदिंग होते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जैसे स्ट्राइल ऑलिवेट एंड सॉर्बिटियन ऑलिवेट, जो ऑलिव ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं जो बेसिकली मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज़ हुए हुए हैं इसके अंदर। उसके बाद इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा एंड फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर आपको कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी और इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, जैसे इसमें आपको टर्मरिक मिल जाएगी, नीम मिल जाएगा एंड दिस ऑल्सो हैज़ सोडियम हाइलुरोनेट, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन की कितना है। विटामिन ई एंड कुछ प्रिजर्वेटिव इसमें डले हुए हैं एंड लास्ट में इसमें डली हुई है फ्रेग्रेंस जो मेंशन की हुई है 0.03 ml। तो लास्ट में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बोटैनिकल और हर्बल फ्रेग्रेंस इसके अंदर डाली हुई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स वेरी वेरी सूदिंग और कामिंग, बहुत लाइट सी है फ्रेग्रेंस, लाइक आपको पता भी नहीं चलता है कि इसमें फ्रेग्रेंस है, इट्स दैट माइल्ड, सो आई डोंट माइंड फ्रेग्रेंस एट ऑल। सो फ्रॉम द इन्ग्रीडियंट लिस्ट यू कैन टेल कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, सेरेमाइड्स का काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन डाला गया है, एंटी इन्फ्लामेटरी, सूदिंग, कामिंग, रिपेयरिंग, वूंड हीलिंग इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं। सो ओवरऑल इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, आई लव द इंग्रेडिएंट लिस्ट, आई लव द फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया है। टेक्स्चर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लाइट टेक्स्चर है, इट्स नॉट एट ऑल अ थिक एंड हैवी टेक्स्चर, बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइट पिंक कलर इसमें से निकलता है। एज सच दे हैवन मेंशन कि इन्होंने कोई कलर इसके अंदर ऐड किया है, आई डोंट नो कि ये जो हल्का सा पिंक हिंट है इस मॉइस्चराइजर में वो किस वजह से है। बहुत ज़्यादा लाइट है, जेल क्रीम कंसिस्टेंसी है, मोर ऑन आई वुड से वाटरी टाइप की, जैसे आप इसको स्प्रेड करते हो तो एकदम वाटर की तरह स्प्रेड हो जाता है। मोस्टली दे से कि आपको इसको इसके 1-2 पम्प्स आर मोर देन सफिशिएंट, बट अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको यू नो 2 पम्प आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। हाँ, अगर आप नीचे बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग लेयर्स ऑलरेडी लगा चुके हो, यू हैव डन विद योर टोनिंग, आपने असेंस लगाया है, सिरम लगाया है और उसके बाद अगर आप इसको लगा रहे हो देन 2 पम्प्स आर मोर देन सफिशिएंट, बट अगर आप बेयर स्किन पे लगा रहे हो राइट आफ्टर योर फेस वॉश देन 2 pumps are not gonna be more than sufficient for you। ना मेरा स्किन कॉम्बिनेशन है तो अभी करंटली मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो रहा है, क्लोज कॉमेडॉन्स दोबारा से मुझे होने शुरू हो गए थे, तो इसलिए आई एम अवॉइडिंग ऑयल्स और ये सब, बट तब जब मैंने इसको यूज़ किया ना तो इसके 2 pumps are more than sufficient for my face, बट हाँ मैं टोनर डेफिनेटली लगाती हूँ और सिरम भी लगाती हूँ तो उसके बाद 2 pumps are more than sufficient for me, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने इसको बेयर स्किन पे लगाया था तो मेरे लिए भी 2 pumps sufficient नहीं थे, 3-4 pump मुझे लगे थे। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्वांटिटी आपको ज़्यादा लगेगी अगर आप सिर्फ ये ही प्रोडक्ट एक अकेला लगाओगे, बट अगर आप एक हाइड्रेटिंग लेयर्स नीचे लगाते हो देन 2 pumps are more than टू पम्प्स आर गोना बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, बट अगेन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है तो बहुत ज़्यादा ये लंबा आपका नहीं चलेगा। मैक्स टू मैक्स मान लो अगर आप सिर्फ रात रात के टाइम पे इसको लगाते हो तो 1-2 महीने निकाल सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं निकाल पाएगा। नाउ कमिंग टू द क्लेम्स कि ये क्लेम करता है कि सूद करेगा, काम कर देगा, नरिश करेगा आपकी स्किन को,
सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. इनिशियली जब मैंने इसको स्टार्ट किया था यूज़ करना, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस था, तो उस पर तो इसने कुछ भी नहीं किया. सेकेंड, जब मुझे वो ऐसे इरिटेशन सी कई बार निकल जाती है ना स्किन, बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, तो जैसे कहीं पर कभी रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, अचानक से मान लो गंदा हाथ लग गया तो रेड रेड होना शुरू हो जाता है मेरा स्किन. तो यूजली जब मैं अपनी सीका क्रीम लगाती थी क्लेयर्स वाली, तो वो इंस्टेंटली ऐसे सूद कर देती थी उस चीज़ को, वो ये नहीं कर पाया. थर्ड, जब मैंने थ्रेडिंग करती हूँ तो थ्रेडिंग के बाद मैं अपनी बायोडर्मा सीका क्रीम लगाती हूँ, बिकॉज मेरी अब वो क्लेयर्स वाली ख़त्म हो गई थी और नया पैक है जो मैंने अब तक खोला नहीं है, तो अभी मैं सीका वाली अपनी बायोडर्मा लगा लेती हूँ. तो इस चीज़ को भी वो इंस्टेंटली सूद कर देता है, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पर मैंने थ्रेडिंग करी है तो स्किन इरीटेटेड है, सो वो रिपेयरिंग जो बायोडर्मा वाली है दैट्स वेरी रिपेयरिंग. तो मैं रात को लगाऊँ तो सुबह तक मेरा यहाँ पर ठीक हो चुका होता है, बट ये वहाँ पे भी वो काम नहीं कर पाया. लाइक इट वॉज नॉट एबल टू यू नो जस्ट रिपेयर दैट पार्ट. तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सूदिंग वाले बेनिफिट्स नहीं फील हुए कि हाँ मैंने इसको अप्लाई किया और उसके बाद मेरे को ठंडा ठंडा फील होने लग गया और उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि हाँ नहीं बस ठीक है नाउ आई एम फाइन. उसके बाद भी मुझे दोबारा से अपनी बायोडर्मा ही लगानी पड़ती थी. तो ये होगी तीन चीज़ें. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू कि हाँ अगर बैरियर वीक है तो उसको स्ट्रेंथन अप करेगा कि नहीं, येस डेफिनेटली येस. आपका जैसे कभी मेरा स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होने लग गया था, तो मैंने जैसे दो तीन बार इसको लगाया, दो तीन दिन लगाया, तो मेरा स्किन काम डाउन हो गया. तो आई थिंक एंग्री स्किन है आपका और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है और बहुत सारे चीज़ें लगा के आप अपना बैरियर डैमेज कर चुके हो, देन आई थिंक इट्स गोना कम वेरी वेरी हैंडी, बिकॉज इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेरामाइड का कॉन्सेंट्रेशन डला हुआ है, तो इट्स डेफिनेटली गोना रिपेयर योर स्किन फास्टर देन अदर सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर. बट क्या ये वर्थ है इतना पैसा लगाना 50 ml पे, 3500 rupees इस पे लगाना वर्थ है या नहीं, उसका मैं यही आंसर कर पाऊंगी कि इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं देन यू कैन गो फॉर दिस वन. इट्स अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर, यू गोना लव दिस वन. बट अगर आप मेरे जैसे हैं जो नहीं मतलब इतना स्प्लर्ज करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि इससे कुछ और अफोर्डेबल आपको ऑप्शंस मिल जाएं, देखो आप क्लेयर्स और प्लस आपका बायोडर्मा सीका बायो दोनों इस प्राइस पे आ जाएंगी. लाइक क्लेयर्स आपको मिल जाती है 1500-1600 के आसपास की अगर आप डिस्काउंट की बात करें, और सेम बायोडर्मा आपको 1200-1300 के आसपास की मिल जाएगी, तब भी इससे सस्ता ही वो पड़ेगा. तो अगर आप दो क्रीम्स ले लोगे, यू डोंट नीड दिस वन. बट येस आई नो इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट्स, तो उसके लिए आप यू नो कोई सिरम ले सकते हो, एंटी ऑक्सीडेंट वाला सिरम ले सकते हो, यू कैन यूज़ नायासिनामाइड. तो ऐसा नहीं है कि यू नो इसको नहीं लगाओगे तो कुछ मिस आउट कर रहे हो, बट येस इनडीड इट्स अ ब्यूटीफुल वन. अगर आप थक चुके हो हर तरह का सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर ट्राई आउट करके और इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, ट्राई दिस वन आउट. आई होप दिस वर्क फॉर यू, बट आई एम नॉट श्योर कि हाँ ये बिल्कुल एकदम डैमेज बैरियर पे क्या करेगा, बट ओवरऑल इट्स अ गुड वन. लाइक इफ यू वॉन्टेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन. नाउ वेदर आई विल बी रिपर्चेजिंग दिस वन, आई डोंट नो, मे बी कभी मुझे लगे कि हाँ लाइक और कोई सेरामाइड मॉइस्चराइजर काम नहीं कर रहा है, देन आई कैन गिव इट अ ट्राई. बट 3500 rupees दोबारा नो, मैं नहीं खर्चूंगी, आई वोंट बी रिपर्चेजिंग दिस वन. बट हाँ कभी अगर ज़िंदगी में मैंने दोबारा रिपर्चेज किया तो आपको तो पता लग ही जाएगा इन माई मंथली हॉल्स. तो या दैट इज़ इट, दैट्स ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस वन. अगर किसी ने भी ये यूज़ किया है, अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, सो दैट बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके. अपना स्किन टाइप, स्किन कंसर्न्स और क्या चीज़ इसने ठीक करी है एंड हाउ इट हैज़ वर्क्ड फॉर यू, वो सब नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है डू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियोज गाइज, अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल. बाय बाय.